प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को नमस्कार। आज पुनः शुक्रवार की संध्या हम अद्भुत आशियों को प्राप्त करने जा रहे हैं। आज की विशेष महिमा से भरी संध्या में आपका स्वागत है। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और इस सभा की शुरुआत करें। हर एक जन अपनी आंखें बंद कर लें। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु के समर्थ्य पवित्र नाम में आपके चरणों से ही पाते हैं। आपका हृदय से धन्यवाद करते इस अलौकिक समय को जो पुनः आपके लहू के से अपने आप को शुद्ध करते प्रभु आपकी धार्मिकता के इवज में होकर हम आपके पास आते हैं। और प्रभु हम आपकी स्तुति प्रशंसा आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा रूपी अलौकिक सहायक दिया हुआ है प्रभु, उसका साथ लेकर हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। हम सबों को प्रभु इस सुंदर सौभाग्य के लिए धन्यवाद। इस अलौकिक समय में अपनी महिमा के स्वरूप को आप देने जा रहे हैं। अद्भुत से प्रकाशन के साथ भविष्यवाणियों की अद्भुत बातों को हमारे सामने आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज की संध्या में जैसे हम स्तुति प्रशंसा आराधना के साथ शामिल होते प्रभु, हम सब आत्मा में जुड़ जाएं, जिससे महिमा का संचार हमारे जीवन में जो अद्भुत रूप में प्रभु आप अपने स्वरूप में बना रहे हैं और अद्भुत महिमा को दिखाने पर हैं, उसमें कोई बातें रोक ले ना पाए। सब बातों में प्रभु पवित्र आत्मा आप शासन करें, हमारे हृदयों में, हमारे विचारों में और हमारी वारिकता में अद्भुत रूप आप दे रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पूरे समय को आपके हाथों में देते हुए विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, ग्रहण करें, आमीन। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा करें, कहें हाँ प्रभु, किसी परिस्थिति में भी मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु के पीछे मैं हो लेता, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा।
सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है, सारे जगत में यीशु मसीह को राजा होना है, आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना है, आत्मा के द्वारा सेवा के द्वारा राज्य को बढ़ना बहते रक्त के द्वारा मिल गया छुटकारा, विश्व के बीच यीशु के पीछे चलने वाले लोग मूर्ख तब नहीं देखते हैं जब वो छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, छोड़ दे अपने आप का भरोसा, कर मसीह पर भरोसा, वो तुझे जानता है। थैंक यू जीसस। आइए अपन मिलकर प्रभु की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं, और परमेश्वर आज भी हमारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। छोड़ दे आइए अपन मिलकर इस गीत को गाएं, अपने आप का भरोसा छोड़ दे। अंतिम दिनों में प्रभु ने कहा था ये आप सबसे बड़ा शत्रु हमारे जीवन में चारों तरफ मंडराएगा, मरम प्रभु की प्रशंसा करते हुए प्रभु यीशु के साथ जय का सुंदर नारा हर प्रकार की जीवन को, वो मंदिर को जो यीशु है उसको अलौकिक रूप से जी पाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। यस, छोड़ दे।
चल पड़ते हैं उसकी आराधना करके उसे अपना प्रभुत्व देते हैं, तो सचमुच में हम ऐसा करने से उसके वादे, उसकी प्रतिज्ञाएं और जितनी घोषणाएं उसने विश्वास के साथ कर दी हैं, वचनों की आधारशिला और विश्वास का वचन आपको दे दिया गया है। आइए मिलकर इसी मेजर आदर महिमा जला मिलकर प्रभु की महिमा करें, हम आराधना करेंगे सचमुच में। यदि हम अपनी जगह पर खड़े हो सकते हैं तो खड़े हो जाएंगे और सब मिलकर आराधना करेंगे। आदर महिमा जलाल सब तुझ को मेरे यीशु, जब कोई फिक्र नहीं करेंगे वो बोलता है मुझे तुम्हारा ध्यान है, मैंने सब कुछ पूरा कर दिया है, अलौकिक रूप से अनंत रूप में प्रभु मेरे और आपके सब कुछ कर रहे हैं। आइए प्रभु की आराधना में चले और कहें आदर महिमा जलाल सब तुझ को मेरे यीशु। आदर महिमा जला
हमारे बीच में विचरण करें और प्रभु स्तुति आत्म पर विराजमान होने वाला परमेश्वर है। वो आज की संध्या जितने लोग मिलकर स्तुति विशेषण आत्मा में रहे, परमेश्वर ने अपना विचरण आत्मा में होकर हमारे बीच में वो कर दिया है। प्रभु हम आपको सारा महिमा देते हैं। सच में विनती और प्रार्थना करते हैं प्रभु, आज की संध्या में जितने लोग स्तुति विशेषण आत्मा में शामिल हुए, विनती और प्रार्थना करते आज के संदेह अलौकिक वचनों के प्रबल माध्यम से उनसे बोलिए और बातचीत करिए। जब भविष्यक्ति ना कर परमेश्वर आपके वचन को बोलती है प्रकाशन के साथ और भविष्यवाणी के वचनों के साथ। प्रभु ने आपने कहा था मैं अंतिम दिनों में जनताओं के द्वारा बिना बताए मैं कुछ भी नहीं करूंगा। आज जब सब कुछ कर रहे हैं प्रभु, अति शीघ्र प्रभु आपकी बातें भी महिमा के द्वारा अद्भुत प्रकाशनों के साथ और भविष्यवाणियों के साथ पूरी होने जा रही है। जितने प्रभु अपेक्षा और प्रार्थनाओं के साथ बैठे प्रभु से पढ़कर आप वर्तमान के परमेश्वर कार्य करने की क्षमता रखते हैं। सामर्थ्य रूप में उपस्थित होकर अपनी महिमा को दिखा रहे हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम इस प्रार्थना करते हैं जितने लोग शामिल हुए हैं हर एक को आशीर्वाद कीजिए। आपकी महिमा करार वचनों के प्रकाशन और भविष्यवाणी के वचनों के द्वारा हर एक के हृदयों को छुए नहीं बल्कि उन्हें परिवर्तित करके आपकी महिमा का काम करने पाए। धन्यवाद देते प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना से सराधन जलाल आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करिए। आमीन आमीन। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर अद्भुत जी से हमको ग्रहण किया है। वो समय आया है कि प्रभु की अद्भुत वाणी को सुनने के लिए तैयार हो जाए। प्रभु ने कहा था मैंने अपने नाम से भी अधिक मैं वचन को दिया है। जो आप सुनेंगे वचन वो प्रबल माध्यम है। बहुत सी विद्वानियों की बातें वचन की आधारशिला पर आपके अंगीकार के द्वारा ये बातें पूर्ण होने जा रही है। इसलिए ध्यानपूर्वक रहें। हम प्रभु की दासी बजरक्ति रश्मि को आमंत्रित करेंगे कि वे आए और प्रभु के वचन को हम तक पहुंचाएं। आइए उनका स्वागत करें और प्रभु की महिमा को देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। मैं सोचती हूँ आप प्रोफेटिक वर्ड को आप समझ रहे होंगे जो मैं इन दिनों में अंत की बातों को मैं बता रही हूँ। अंत की कलीसिया कैसी होगी? आपने लास्ट टाइम भी प्रकाशित वाक्य मैंने 3:20 से बताया था। मैं सोचती हूँ आप प्रोफेसी यही नहीं है कि हमको चंगाई मिल जाए, भविष्य हमारा नौकरी मिल जाए, हमारे पैसे की तंगी ठीक हो जाए, हमारा घर हमको घर मिल जाए। प्रोफेसी ये भी है, हाँ प्रोफेसी वर्ड भी है। मैं जो अंत के दिनों की जो ये अभी बातों को मैं बता रही हूँ ये प्रोफेटिक वे में बता रही हूँ कि कैसे अंत के दिनों में कलीसिया को परमेश्वर
कौन सी कलीसिया को लेने आने वाला है। मैंने लास्ट टाइम आप सुने होंगे तो प्रोफेटिक वर्ड को प्रकाशित वाक्य 3:20 से भी मैंने बताया। आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन को दिया है, ये प्रकाशन पवित्र आत्मा ने मुझे दिया है। मैं सोचती हूँ इससे आप काफ़ी आशीषित होंगे। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 2:4 रेवलेशन चैप्टर 2:4। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। इफिसूस की कलीसिया के विरुद्ध प्रभु यीशु की शिकायत है कि उसने पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। परमेश्वर की शिकायत है इस कलीसिया के लिए कि तू पहला सा प्रेम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। आज हमारे भी जब मैं इन दिनों में बैठी परमेश्वर के लिए तो परमेश्वर ने मुझे ये प्रोफेटिक वर्ड को दिया है। मैं बार बार कह रही हूँ ये इसको जो मान लेगा, ये वचन को जो ग्रहण कर लेगा, रिसीव कर लेगा, स्वर्ग उसके लिए खुल जाएगा। क्योंकि ये पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने मुझे ये प्रोफेसी को दिया है जो मैं आज बताने जा रही हूँ। परमेश्वर ने इफिसूस के कलीसिया के विरुद्ध प्रभु यीशु की शिकायत है कि तू इफिसूस पहला सब प्रेम को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। आज हमारी कलीसिया के लिए भी यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। आज हमारी कलीसिया के लिए भी प्रभु यीशु यही बात को कह रहे हैं। आज देखें तो चर्च में दो प्रकार के लोग होते हैं, दो प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो ऐसे हैं जिन्हें कभी यीशु से प्रेम हुआ ही नहीं, उन्हें बस सांसारिक लाभ के लिए, सांसारिक लाभ के लिए ही प्रभु यीशु के पास आते हैं। बीमारी चंगाई हो जाए, हाँ नौकरी मिल जाए, बस सांसारिक लाभ, हमको घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, ये इसीलिए प्रभु यीशु के पास आते हैं। हाँ चंगाई मिल जाए, ये हो जाए, और अपने और वो बहुत अपने आप को क्या कैसे दिखाते हैं, हाँ आत्मिक दिखाने के लिए लगे रहते हैं। और दूसरे, ये तो पहला लोग हो गए, दूसरे वो होते हैं जो सचमुच यीशु से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं, और रात दिन यीशु के प्रेम में क्या हो जाते हैं, दीवाने हो गए थे। रात दिन ये यीशु से प्रेम करते हैं और रात दिन यीशु के प्रेम में क्या हो गए थे, दीवाने हो गए थे। पर कुछ कारणों से उनका प्रेम इन दिनों में क्या हो गया है, हाँ ठंडा पड़ गया है, ठंडा हो गया। एक तो ऐसे लोग हैं, दो प्रकार के लोग को मैं बता रही हूँ। एक ऐसे लोग होते हैं कलीसिया में जो केवल सांसारिक लाभ के लिए आते हैं और आत्मिक दिखाने और अपने आप को आत्मिक दिखाने के लिए मसीह बन गए हैं, हाँ। और दूसरे वो होते हैं जो प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं और रात दिन यीशु के प्रेम में दीवाने हो गए थे, लेकिन कुछ कारणों से उनका प्रेम कैसा हो गया था, ठंडा हो गया था, हैं। आज मैं आपको समझाऊंगी कि किस तरह हमको मसीह जीवन शुरू करना चाहिए और अंत तक यीशु के प्रेम में कैसे बने रहना है। आज मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि हम हमारा शुरू जो स्टार्टिंग का जो प्रेम रहता है, जब हम यीशु को चखे रहते, परखे रहते, हमारा प्रेम बहुत रहता है, लेकिन ये प्रेम को जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों में नहीं आ जाते तब तक ये प्रेम में हमको बने रहना है। हालेलुया। एक बात को ध्यान से समझिए, मैं एक उदाहरण को देने जा रही हूँ, ध्यान से इस उदाहरण को समझिए। अगर एक नया आदमी हमारे पास आकर कहता है मैं मसीह बनना चाहता हूँ, हाँ एक आदमी आके हमसे बोलेगा मैं मसीह बनना चाहता हूँ, मैंने टीवी में देखा है मसीहों का जीवन में कैसे चंगाई चमत्कार होता है, तो मैं मसीह बनना चाहता हूँ। तब हम उससे पूछते हैं क्यों आप मसीह क्यों बनना चाहते हैं, हाँ? तब वो जवाब देता है कि मैं बहुत समस्याओं में हूँ, अपने उससे छुटकारा पाना चाहता हूँ, मेरे घर में बीमारी है, बच्चों की समस्या है, पत्नी की समस्या है, पैसे की समस्या है। उसकी पूरी बात सुनने के बाद हम कहते हैं तुम मसीह बन जाओ, हाँ उसकी सारी समस्याएं सुनने के बाद हम उससे कहते हैं कि तुम क्या बन जाओ, हाँ तुम मसीह बन जाओ तो तुम्हारी सारी समस्या क्या हो जाएगी, हाँ खत्म हो जाएगी। हालेलुया। अब समझ रहे हैं, हम उसको यही जवाब देते हैं कि तुम मसीह बन जाओ, तुम विश्वासी बन जाओ, जब तुम यीशु को पकड़ लो तो तुम्हारी सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वो बहुत खुश है,
वो बहुत खुशी से मसीह बन जाता है, बहुत खुशी की अरे मैं तो मसीह बन गया हूँ, तब मेरी जिंदगी भर की सारी समस्याएं क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और समस्याएं और धीरे धीरे वो समस्याएं हल भी हो जाती है, प्रभु यीशु को ग्रहण करने से सारी समस्याएं खत्म भी हो जाती है। पर कुछ साल गुजरने के बाद फिर समस्याएं उसके जीवन में आने लगती हैं। अभी ये भाई क्या करे, क्या फिर से धर्म बदल ले हैं? ऐसा ये बार बार करेगा तो लोग इसको क्या कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। इसलिए वो मसीह धर्म में ही रहता है, पर ये भाई मसीह तो रहेगा पर प्रेम से, अब प्रेम से नहीं रहेगा वो, या तो धर्म बदलेगा, क्योंकि फिर इसके जीवन में कुछ सालों के बाद फिर से दुख आना, मुसीबतें आना चालू हो गया। तो ये भाई क्या धर्म बदल ले हाँ, ये भाई तो ये मसीह में तो रहेगा, प्रभु में तो रहेगा, लेकिन इसका प्रेम कैसा रहेगा, हो जाएगा धीरे धीरे प्रेम ठीक नहीं रहेगा। इसको मसीह बनाने से पहले याद रखिए, हमको मसीह बनाने से पहले हमको उसको ये बताना है कि जीवन में समस्याएं आएंगी हाँ, मसीह में रहेंगे तो भी आएंगी, और गैर मसीहों में भी आती है। अगर कोई संसार की समस्याओं से, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मसीह बनता है तो ये उसकी मूर्खता होगी। याद रखिए, ध्यान से सुनिए, अगर कोई संसार की समस्याओं से, बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए मसीह बनता है तो वो सबसे बड़ा मूर्ख होगा। हाँ, पहला कुरिन्थी 15:19 में पौलुस कहता है, इसको ध्यान से सुनिए, ये प्रोफेटिक वर्ड है, आप धीरे धीरे सुनेंगे तो आप समझेंगे। 1 Corinthians 15:19, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। हाँ, अगर हम इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सबसे ज्यादा क्या है, बदनसीब हैं, है अभागे हैं। इसका मतलब है 70-80 साल के जीवन के बाद भी कुछ है, 70-80 साल के जीवन के बाद भी कुछ है, ये बाइबल कहती है कुछ है। हाँ, हालेलुया। और ये जीवन हमको यीशु मसीह देना चाहता है, 70-80 साल के बाद भी कोई जीवन है हाँ, जो प्रभु यीशु मसीह हमको क्या करना चाहता है, देना चाहता है। ये मरने के बाद की आशीष पाने के लिए जो कोई मसीह बनता है उसको प्रेम यीशु के लिए कम नहीं होता पर बढ़ता ही जाता है। हालेलुया, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, ये जीवन हमको यीशु मसीह देना चाहता है, जो 70-80 साल के बाद का जो जीवन है ये यीशु मसीह हमको क्या करना चाहता है, देना चाहता है। ये मरने के बाद की आशीष पाने के लिए जो कोई मसीह बनता है उसका प्रेम यीशु के लिए कम नहीं होता पर बढ़ता ही जाता है। मैं सोचती हूँ आप समझ रहे होंगे, ये प्रेम हमको बताना है कि मरने के बाद भी हमारे को प्रभु यीशु एक जीवन को देता है। हम देखते हैं Matthew 4:17 में, Matthew 4:17, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह करना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आया है। हालेलुया, यीशु मसीह का सबसे पहला प्रचार क्या था, अगर मैं पूछूं आपसे तो प्रभु यीशु का पहला प्रचार क्या था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या हो गया है, हा? निकट आ गया है। अच्छा बताइए, मन कौन से पाप से फिराना है, अच्छा बताइए, हाँ ध्यान से सुनिए, प्रभु यीशु का पहला प्रचार क्या था, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है। अच्छा तो बताइए, मन कौन से पाप से फिराना है, मन कौन से पाप से फिराना है, ये सबसे बड़ा आज क्या है, क्वेश्चन है। बहुत से लोगों का कहना है कि हमने कोई पाप ही नहीं किया है, है? हमने तो कोई पाप नहीं किया है, फिर मन कौन से, मन किससे फिराए, फिर पश्चाताप किस बात का करे। तब यीशु मसीह कहते हैं, तूने अपने मन को संसार की वस्तुओं पर क्या कर दिया है, लगाया है, और स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट है। हम सोचते हैं, हम प्रभु कोई बताता है कि तुम पापों से पश्चाताप कर लो तो लोग कहते हैं अरे हम तो पापी है ही नहीं, हम क्यों मन को फिराएंगे। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं,
तुमने अपना मन को क्या कर लिया है, संसार की वस्तु में फंसा के रख लिया है, और स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ गया है। हालेलुया। यदि आज कोई मर जाए तो मरने के तुरंत बाद स्वर्ग के राज्य में न्याय के सामने खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। ये बात आप इब्रानियों 9:27 में हम पढ़ सकते हैं। Hebrews 9:27। और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। उसके बाद क्या है? न्याय का होना नियुक्त, या तो नरक मिलेगा या स्वर्ग। हालेलुया। हमको इसी बात से मन फिराना है कि हमने पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाया। हमको इसी बात से मन को फिराना है। जिसकी ये बात समझ में आ जाती है वो फैसला कर लेता है कि आज से मैं संसार की ओर से अपना ध्यान हटाकर स्वर्ग की ओर लगाऊंगा। हालेलुया। इसको मन फिराना कहते हैं, इसको मन फिराना कहते हैं। इंसान का मन दुनिया की चीजों में फंस जाता है। हा? जब हम बुजुर्ग रहते हैं तब भी मैं देखती हूँ इतना फंसा रहता है, हटता ही नहीं है। और हम सोचते रहते हैं हम कहाँ, हम तो प्रभु यीशु आपके पीछे दिन भर हुए, लेकिन संसार की वस्तु से हमारा मन फिरता ही नहीं है। परमेश्वर कहता है क्या करना है, इंसान का मन दुनिया की चीजों में क्या रहता है, फंस जाता है। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? पापी कहता है। जिस दिन आप ऐसा फैसला करेंगे कि मैं संसार में रहते हुए भी परमेश्वर के साथ साथ स्वर्ग की वस्तु की खोज करूंगा, और जो पिछला जीवन पाप में गुजरा उससे आपको नफरत हो जाएगी। जो पिछला जीवन, जब आप प्रभु यीशु के साथ साथ क्या करेंगे, स्वर्ग की वस्तु की खोज में निकल जाएंगे, तो आपको दुनिया की सारी वस्तु में क्या हो जाएगी, नफरत हो जाएगी। तो यीशु का खून आपके सारे पुराने पापों से धोकर हमें क्या करता है, शुद्ध करता है, और हम नई सृष्टि बन जाते हैं। हालेलुया। मरकुस 16:16 में हम पढ़ते हैं, Mark 16:16 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया गया। अब ध्यान से सुनिए कुछ, ये मैं प्रोफेटिक वर्ड को बोल रही हूँ। आप ध्यान से, ये बपतिस्मा के बारे में, मेरा ये सब्जेक्ट नहीं था पर मैंने जानबूझ के इस सब्जेक्ट को लाया है इस बीच में, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये बोलने को कहा। यीशु मसीह मर कर क्या हुए, जी उठने के बाद स्वर्ग जाने से पहले मन फिराने के बाद एक काम और करने को कहे। आपको मालूम है एक काम और करने को कहे थे, और वो काम बैप्टिज्म लेने को, हाँ बैप्टिज्म लेने का था। और बैप्टिज्म लेने के बाद मन फिराने का मतलब है, हालेलुया, और यीशु पर विश्वास करना, और उसके बाद बपतिस्मा लो। और यीशु पर क्या करना है, विश्वास करना है, और उसके बाद क्या करना है, बपतिस्मा लो। प्रेरितों के काम 2:38 को हम पढ़ेंगे, Acts of the Apostles 2:38 यहां पर इस प्रकार से लिखा है 2:38। पत्रस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। हालेलुया। पत्रस ने बहुत अच्छा कहा कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से क्या ले, बपतिस्मा ले। ये पहला प्रचार है जो यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद पत्रस ने किया, और यही पहला चर्च 3,000 लोगों का है, 3,000 लोगों का है। आपको पता है कुछ लोग बच्चों को बैप्टिज्म देते हैं, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, ये प्रोफेटिक वर्ड है। हाँ, कुछ लोग किसको बपतिस्मा देते हैं, बच्चे लोग को बपतिस्मा देते हैं। बच्चे तो जानते ही नहीं है कि पाप क्या है, हैं? बच्चे जानते हैं क्या कि पाप क्या है? तो पापों की माफी बच्चे कैसे मांगेंगे? बच्चे लोग को हम 3-4 साल में देखते हैं बपतिस्मा दे देते हैं मेन लाइन चर्चेज में, और उनको, वो तो पवित्र है। बच्चे तो कैसे होते हैं, पवित्र होते हैं, उनको पता ही नहीं है पाप क्या है, वो तो भोले भाले रहते हैं, फिर कैसे आप बपतिस्मा दे देते हैं? मत्ती 18 का
3 को हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 3, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसका रूप बिजली का सा और उसका वस्त्र पाले के समान उज्जवल था। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम बच्चे की तरह ना बने तो स्वर्ग में नहीं जा सकते। 18:3 18:3 उसकी तीसरी आयत में इस प्रकार से लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज में प्रवेश करने नहीं पाओगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम बच्चे की तरह नहीं बने तो स्वर्ग नहीं जा सकते। जो बच्चे को बैप्टिज्म देते हैं या क्या करते हैं या दिलवाते हैं, वो ये साबित करते कि बच्चा पापी है। हाँ, जो बच्चे को बैप्टिज्म देते हैं वो ये साबित करते हैं, ध्यान से सुनिए, ये विशेषकर मैं मेन लाइन चर्चेस और बहुत से जो सुन रहे हैं बहुत कंफ्यूज होते हैं बैप्टिज्म के बारे में, मैं उनके लिए भी ये बातों को प्रोफेटिक वे में बोल रही हूँ। जो बच्चों को बैप्टिज्म देते हैं या दिलवाते हैं वो ये साबित करते हैं, बच्चे तो पवित्र है, है? बच्चे तो पाप को जानते ही नहीं कि पाप क्या होता है। पाप फिर वो कौन से बपतिस्मा लेने के समय वो कौन से पापों की माफी को मांगेंगे। हाँ, हालेलुया, आप समझ रहे हैं। वो ये साबित करते हैं कि बच्चे पापी हैं। हम पवित्र बच्चे को बैप्टिज्म देकर पापी साबित करते हैं और कहते हैं कि अब बपतिस्मा लेने के बाद ये बच्चा पवित्र हुआ। मैं सुनी हूँ बहुत से लोग कहते हैं ऐसा, मैं ऐसा भी कहते सुनी हूँ कि तुम्हारा बच्चा 4 साल का हो गया है, अभी तक तुमने बपतिस्मा नहीं दिलाया, क्यों नहीं दिलाया? आज मैं इसका जवाब आपको देती हूँ, जब बच्चा पाप समझने लगेगा और जब उसको दुनिया से नफरत होगी तो वो मन फिराएगा और बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। आप ध्यान से सुनिए, बपतिस्मा, बहुत लोग बोलते हैं अरे तुम्हारा बच्चा 3 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है, अब इसको क्या करो, बपतिस्मा दो। हाँ, पर जिस दिन वो उसको पाप से नफरत हो जाएगी, वो दुनिया से नफरत हो जाएगी और क्या हो जाएगा, वो मन फिराना चाहेगा, उस दिन वो बपतिस्मा लेगा। हालेलुया। जैसे 3-4 साल के बच्चे की शादी को सरकार क्या नहीं करती, मान्यता नहीं देती, उसी तरह बाइबिल भी छोटे बच्चे के बैप्टिज्म को मान्यता नहीं देती है। जिस तरह लड़का लड़की जवान हा? अपना जीवन साथी पसंद करते हैं, उसी तरह हमको भी सोच समझ के बैप्टिज्म लेना चाहिए। हाँ, जिस तरह जवान लड़की क्या करते हैं, जवान साथी पसंद करते हैं, उसी तरह हमको भी सोच समझ के क्या करना है, बपतिस्मा लेना है। शादी एक बार होती है और ये जीवन भर का साथ है। बैप्टिज्म भी एक बार होता है और ये यीशु मसीह के साथ अनंत काल का साथ है। हालेलुया। आप, मैं सोचती हूँ आप समझ रहे होंगे। मैं आपको ये बताऊंगी कि बपतिस्मा कैसे ले। अभी तो मैंने सिखाया कि बपतिस्मा कैसे कब लेना है। हाँ, जब आप दुनिया से आपको नफरत हो जाएगी, आप पाप को समझना चाहोगे, आपको पाप से नफरत हो जाएगी और अब आप अपना मन फिराना चाहेंगे, उस दिन आप बपतिस्मा लीजिए। छोटे बच्चे का बपतिस्मा जो जानता ही नहीं है, जो पवित्र है, जो भोला भाला है, उसको तो आप खुद ही पापी ठहरा के उसको पापों की क्षमा में कर दे रहे। अब मैं आपको ये बताना जा रही हूँ कि क्या करना है, हैं? कि हमको क्या करना है, बपतिस्मा कब लेना है, हैं? अब मैं आपको बताऊंगी कि बपतिस्मा कैसे ले। इसका सबसे अच्छा आंसर है कि जैसे यीशु मसीह ने लिया वैसा हमको भी लेना चाहिए। हाँ, बहुत लोग का प्रश्न है, उसका मैं आज आंसर दे रही हूँ। बहुत लोग ने मेरे को ये प्रोफेटिक, आज मैं जो बता रही हूँ इसको ध्यान से सुनिए, बाइबिल से ही मैं निकाल के बता रही हूँ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं बपतिस्मा कैसे लें। इसका सबसे अच्छा आंसर है, यीशु मसीह ने जैसे बपतिस्मा लिया वैसे हमको भी बपतिस्मा लेना है। मत्ती 3:13-17 घर जाके पढ़िए, ध्यान से इसको लिखिए। मैं सोचती हूँ बहुत टाइम हो जाएगा।
मत्ती 3:13-17 3:13-17 उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यहुन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यहुन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर को आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने उत्तर ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया, आपने समझा बपतिस्मा कैसे लेना है। प्रेरितों के काम 8:36-38 को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसकी 36। जैसे कूच देश के मंत्री ने लिया, हाँ आप इसको देखिए। मार्ग में चलते चलते वे किसी जल की जगह पहुंचे, तब खोजे ने कहा, देख यहाँ जल है, अब मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रोक है। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तू सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। यूहन्ना 3:23 को भी हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 3:23 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। हालेलुया, ध्यान से सुनिए, बपतिस्मा कैसे लेना है। मैं इसका आंसर आपको दे रही हूँ। आपको मैंने पढ़ाया मत्ती 3:13-17, प्रेरितों के काम 8:36-38, यहाँ पे क्रूस देश के मंत्री ने लिया, हाँ यूहन्ना 3:23 में भी आपने पढ़ा। हालेलुया, बपतिस्मा के लिए इतना पानी चाहिए कि बैप्टिज्म लेने वाला उसमें डूब सके, है? बपतिस्मा के लिए हमको इतना पानी होना चाहिए कि बपतिस्मा लेने वाला उसमें क्या करना चाहिए, पूरा डूब चले, डूब जाना चाहिए। इसके बाद अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसके नाम अब किसके नाम से लेना चाहिए, हाँ किस। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है, एक तो बपतिस्मा कैसे लेना है, इतना पानी होना चाहिए कि हम उसमें पूरा क्या हो सके, पूरा हमको डूबना है। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि किसके नाम से लेना है। इसका आंसर भी इजी है, हाँ पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको क्या करना है, बपतिस्मा लेना चाहिए। पहले दो प्रकार के बपतिस्मा होते थे, पहला यूहन्ना का बपतिस्मा होता था और दूसरा सेकंड यीशु का। यीशु नाम से बपतिस्मा दिया जाने वाले ही बैप्टिज्म में पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम लिया जाता था, यही ठीक बपतिस्मा है। हाँ जो दूसरा बपतिस्मा चालू हुआ, जो यीशु नाम से बपतिस्मा लेते हैं उसमें पिता पुत्र और हम उसको मत्ती 28:19 में पढ़ सकते हैं। आप इसको घर जाके भी पढ़ सकते हैं। इसलिए तुम आओ सब जाति लोगों को चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और गलती 2:20 को पढ़ेंगे। Galatians 2:20 में लिखा हुआ है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आज मैं आप लोग के कन्फ्यूजन को दूर कर रही हूँ। बहुत लोग छिड़काव का बपतिस्मा, हाँ बचपन में बपतिस्मा ले लेते हैं, गलत है ये प्रोफेटिक वर्ड आपके लिए। बहुत लोग किससे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, पूरा पूरा डूबना है और यीशु के नाम से, जो यीशु ने बपतिस्मा लिया, हाँ वो ही बपतिस्मा पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हमको बपतिस्मा लेना है। गलतियों 2:20 को हमने पढ़ा, सबसे पहले पाप के लिए हमको क्या करना है, मरना, फिर पानी में दफन होना, इसके बाद जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आते हैं इसको मसीह के साथ जिंदा होना कहते हैं। याद रखिए, हाँ सबसे पहले पाप के लिए मरना है, पाप के लिए क्या करना, मरना, फिर पानी में क्या होना, दफन होना, इसके बाद जब बपतिस्मा लेने के बाद पानी से बाहर आते हैं इसको मसीह के साथ, यीशु मसीह के साथ जिंदा होना कहते हैं। कुलुसियों 3:1 में हम पढ़ते हैं, इसको घर जाके भी पढ़। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्ग की वस्तुओं की खोज में रहो जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दहनी हो। इसके बाद स्वर्ग की वस्तु की हमको क्या करना है, खोज में रहना है, खोज में रहना है।
हालेलुया, खोज में लग जाना है हमको। जो लोग ऐसा करते हैं उनको प्रभु यीशु के लिए क्या करना है, हैं? हमको खोज में क्या करना है, स्वर्ग की वस्तु की खोज में लग जाना है, लग जाना है हमको। जो लोग ऐसा करते हैं उनका प्रेम क्या है, यीशु के लिए बढ़ता जाता है। हालेलुया, उनका प्रेम प्रभु यीशु के लिए, जो ऐसा करते हैं उनका प्रेम कैसा बढ़ता है, प्रभु यीशु के लिए बढ़ता जाता है। अगर आपने सच्चे मन से बपतिस्मा लिया है तो आप स्वर्ग के सकरे रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, और आपके तन मन धन में धन से आपको क्या है, यीशु को खुश करते हैं। हालेलुया, अगर आपने सच्चे मन से क्या किया है, बपतिस्मा लिया है, तो आप स्वर्ग के सकरे रास्ते पर चलना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, और आपके तन मन धन से आप यीशु को खुश करते रहते हैं। एक उदाहरण को मैं दे रही हूँ, जिस तरह जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत प्यार होता है ना, बहुत प्यार होता है, इसको पहला प्यार कहते हैं। हाँ, जब नई नई शादी होती है तो पति पत्नी में बहुत प्यार होता है, इसको हम क्या कहते हैं, पहला प्यार कहते हैं। परमेश्वर ये चाहता है कि शादी के समय का जैसा प्यार हमेशा रहना चाहिए, और ये प्रेम रोज रोज बढ़ना चाहिए। पर जिस तरह शादी के बाद पति पत्नी का प्यार धीरे धीरे क्या होता जाता है, कम होता है, उसी तरह मसीह जीवन में भी क्या होता है, ऐसा होता है, हैं? जैसे धीरे धीरे जैसे बुजुर्ग होते जाते हैं, जवान अधेड़ होते रहते हैं, पति पर हस्बैंड वाइफ का प्रेम क्या होता है, कम होते जाता है, उसी तरह मसीह जीवन में भी ऐसी होता है। हम बपतिस्मा से तो शुरुआत करते हैं पर वो धीरे धीरे कम होने लगता है। हाँ, बपतिस्मा से मन फिरा के भक्ति, पापों से क्षमा मांग के, हाँ, पाप के अंगीकार, दुनिया के नफरत से हम सब छुटकारा लेके क्या करते हैं, बपतिस्मा तो लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमको बढ़ना है, शुरुआत में तो बहुत अच्छे रहते हैं, हाँ? और धीरे धीरे क्या हो जाता है, हमारा प्रेम ठंडा होते जाता है यीशु के प्रति। ये चीज यिर्मयाह 2:2 में हम पढ़ते हैं, यिर्मयाह चैप्टर 2:2, वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जा और यरूशलेम में पुकार कर यह सुना दे, यहोवा यह कहता है, तेरी जवानी का स्नेह और तेरे विवाह के समय का प्रेम मुझे स्मरण आता है, कि तू कैसे जंगल में मेरे पीछे पीछे चली, जहां भूमि ज्योति बोई न गई थी। हालेलुया, आप समझे, जवानी में कैसे बहुत प्रेम, जैसे हस्बैंड वाइफ का प्रेम बहुत रहता है, पर वह धीरे धीरे 10 साल, फिर 20 साल, फिर 30 साल, फिर 40 साल, ऐसा होते होते क्या हो जाता है, हमारा प्रेम कैसा होते जाता है, ठंडा होते जाता है। वैसी हम बपतिस्मा लेते हैं तो बहुत जोश रहता है, बहुत उमंग रहता है, लेकिन धीरे धीरे जब जब हमको और प्रभु यीशु के नज़दीक में और सामर्थ के साथ फ्लो हो जाना चाहिए था, हाँ, तो अब क्या हो गए हैं, हम ठंडे और गुनगुने पड़ गए हैं। परमेश्वर शादी के समय का प्रेम याद करता है। यहाँ पे परमेश्वर क्या चीज याद कर रहा है, परमेश्वर शादी के समय का प्रेम याद करता है, जब रात दिन हम प्रभु में दीवाने थे, हैं? कहीं भी मीटिंग होती थी हम दौड़ दौड़ कर जाते थे, रात दिन बाइबिल में ध्यान करते थे, रात दिन बाइबिल में। हम मुझे अच्छे से मालूम है, जब मैं पहली बार परमेश्वर को चखी, सिस्टर साइलस हमारे घर में आया करती थी, और मुझे हमको इतना तो मालूम था, प्रभु मुझे इतना बताया गया था कि तुम प्रार्थना से चंगी हुई हो, बस मैं इतना ही जानती थी, क्योंकि हम मेन लाइन चर्च में थे, और मुझे इतना ही बताया गया था, एक पास्टर आए और तुमको चंगा किए, प्रभु यीशु के नाम से तुम चंगी हुई हो, बस इतना मालूम था। लेकिन एक आंटी थी जो सेवा करती थी, सिस्टर साइलस थी, और वो आके मुझे सुसमाचार बताया करती थी, और वो जहाँ भी जाती मुझे अपने साथ, चाहे वो रात हो चाहे दिन हो, मुझे एक जुनून हो गया था। मैं फिर वो मुझे बताती, देख बेटा यहाँ मीटिंग, जब क्या होता है, रात दिन मैं ये देख, मेरे को दीवानापना कि कौन यीशु ने मुझे चंगाई दिया, उसकी खोज में मैं निकल पड़ी थी।
मैं रात दिन मैं ये नहीं देखती थी कि रात हो गई है अभी मुझे इतने बजे, हम मैं स्कूल से आती थी और मैं हम डे बोर्डिंग में पढ़ते थे और शाम को जैसे मुझे पता चलता था कि आज मीटिंग है मैं दौड़ के जल्दी जल्दी रेडी होती और मैं मीटिंग को भागती। हाँ हालेलुया, बाइबल में ध्यान रखते हैं, प्रेयर में लगे रहते हैं। अगर हमारा जीवन आज भी ऐसा चल रहा है तो प्रभु का धन्यवाद दो। अगर आज भी मैं प्रभु यीशु को धन्यवाद देती हूँ कि उस दिन से लेके आज तक मैंने अपने प्रभु यीशु को कभी कभी नहीं छोड़ा। अगर ये जीवन बाइबल में ध्यान लगा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे पहले जैसे क्या कर रहे हैं, दौड़ दौड़ के मीटिंग जाते थे, रात रात भर प्रभु यीशु क्या करते थे, रात रात भर हम प्रार्थना किया करते थे, परमेश्वर शादी के समय का प्रेम हमको याद दिला रहा है। हाँ? अगर हमारा जीवन आज भी ऐसा चल रहा हो है तो प्रभु का धन्यवाद दो, पर अगर नहीं चल रहा है तो प्रभु कहता है, पढ़िए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य 2:5, अगर ये जीवन आपका नहीं चल रहा है, अगर ऐसा ही चल रहा है पुराना जैसा प्रेम, तो प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, और अगर नहीं चल रहा है तो मेरे साथ निकालिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, प्रकाशित वाक्य 2:5, Revelation 2:5, इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया, प्रभु यीशु कहते हैं याद कर तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रभु यीशु कह रहे हैं प्रकाशित वाक्य 2:5 में, याद कर तू कहां से गिरा और मन फिरा। ध्यान से सुनिए, जो सच्चे मसीह थे और आज उनको प्रभु यीशु मसीह से उतना प्रेम नहीं रहा हाँ जितना पहले था, तो उन सभी के लिए ये चेतावनी है कि वे याद करें कौन सी चीज उनके जीवन में आई जिसने उनका पहला सब प्रेम क्या कर लिया, कौन सी चीज आ गई है उनके जीवन में कि उनका पहला सब प्रेम वो गिर गए हैं। आप याद करिए, प्रभु कहता है जितना पहले क्या था हाँ प्रेम था, कौन सी चीज, प्रभु यीशु उनको चेतावनी दे रहा है हाँ? बोल रहा है कौन सी चीज उनके जीवन में आ गई है जिससे उसका पहला सब प्रेम छीन गया है हाँ? पहला सब प्रेम छीन गया, कौन सी चीज है। आज आप अपने आप का टोटोले, ये प्रोफेटिक वर्ड है, परमेश्वर कह रहा है, आप परमेश्वर चेतावनी को दे रहा है, आप घर रोटी कपड़ा मकान लेके क्या स्वर्ग चले जाओगे, ये चेतावनी को परमेश्वर दे रहा है, पहले जैसा प्रेम था, पहले जैसे शादी हुई थी, बपतिस्मा हुआ, हम दौड़ते थे, हम मीटिंग जाते थे, हम गीतों को गाया करते थे, परमेश्वर आज ढूंढ रहा है। परमेश्वर बोलता है ऐसा कौन सी चीज तुम्हारे जीवन में प्रथम हो गई है जो पहला सब प्रेम तुमने क्या कर दिया है, खो दिया है, छीन गया है। प्यार तो आज भी हम सब इश्यूज को करते हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ प्यार नहीं करते हैं, पर शायद उतना नहीं जितना पहले करते थे हाँ। आज भी अगर मैं पूछूं तो इशू की गवाही 100 ठोक हम दे देंगे हाँ, अरे मेरे लिए जीजस ऐसा किया, मेरे लिए ऐसा किया, मेरे को परमेश्वर संभाला हाँ। हालेलुया, हम जब किसी से प्यार करते हैं तो उसको क्या करते हैं, शो करते हैं, वो दिखता है, उसी तरह हमको पता चल जाता है हाँ कि ये मुझसे प्यार कर रहा है। प्रभु यीशु को भी पता चल जाता है कि ये पहला बैप्टिज्म जैसा नया जन्म पाया हुआ प्यार है कि क्या, जिससे आप प्यार करोगे तो अच्छा बताइए, उसको आप शो करोगे नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा, तो आप दिन रात उसको दिखाते रहते हो कि हाँ, आजकल तो मोबाइल आ गया, बार बार हम उसको मैसेज में लिख के भेजेंगे आई लव यू, ये उल्टा सीधा बात कुछ भी मैं ऐसी बोल रही हूँ है, उसको बताएंगे, कुछ गिफ्ट लेके देंगे, उसको शो करेंगे। परमेश्वर भी क्या करता है हाँ, परमेश्वर भी हमारे शो को ढूंढ रहा है, आप समझ रहे हैं। रोमियो में पढ़ेंगे, Romans 8:35-39 पौलुस कहता है, Romans 8:35-39, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार, जैसा लिखा है कि हम तेरे लिए दिन भर घात किए जाते हैं,
हम वध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं, परंतु इन सब बातों में उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से भी बढ़कर है। हालेलुया, पौलुस बहुत अच्छी बात बोलता है, कौन कौन सी चीज मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है, है? उसने 16 बातों की लिस्ट बनाई। बाप रे, 16 बात क्या करी उसने, लिस्ट बनाई और कहा ये 16 चीज मुझको मसीह के प्रेम से अलग कर सकती है। हाँ बाप रे, उसने पौलुस ने क्या करी, लिस्ट बनाई। आप भी लिस्ट बनाइए। पौलुस कहता है ये 16 लिस्ट मेरे को प्रभु यीशु के प्रेम से क्या कर सकती है, अलग कर सकती है चीजें। और उसने क्या किया, लिस्ट बनाया, लिखा। हो सकता है पौलुस रोज क्या कर रहा है, रोज 16 लिस्ट के लिए प्रेयर करता होगा। हमें भी ऐसा ही एक लिस्ट बनानी चाहिए और उन सारी कमजोरियों के लिए रोज प्रेयर करनी चाहिए। हालेलुया, आप समझ रहे हैं, है? पौलुस ने लिस्ट बनाया कि कौन सी कमजोरी है जिसके कारण क्या हुआ, मेरे आत्मिक जीवन मेरे को प्रभु यीशु से प्रेम के लिए क्या हो जाए, हा? जो दीवाना मैं हूं वो कौन सा दीवा प्रभु के प्रेम के लिए मेरे को नष्ट हो जाए। इसलिए उसने 16 चीजों को लिखा, लिस्ट बनाई। आज हमको भी क्या करना है, जो प्रभु यीशु से हम दूर हो रहे हैं, किस कारण से दूर हो रहे हैं उसका लिस्ट बनाइए। जब मैं पौलुस की ये बात को पढ़ी तो मैंने भी एक चीज किया, मैंने अपने डायरी में वो लिस्ट बनाना चालू किया कि कौन सी चीजें हैं जिस जो मुझसे प्रभु यीशु के प्रेम से अलग कर सकती है। पौलुस ने 16 बनाया, हो सकता है हमारा 1000 हो, बनाइए। और उसके लिए रात दिन हम क्या करना है, हमको प्रार्थना करना है। अगर हम किसी कमजोरी में गिर गए तो फिर से उठना चाहिए। अगर किसी कमजोरी में गिर गए हैं तो वो लिस्ट में अगर हम हाथ रख के प्रेयर कर रहे हैं तो हमको फिर से उठना है। पहला योना 1:9 में लिखा है, 1 John chapter 1:9 वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया, क्योंकि यीशु का खून आज भी हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पर शर्त एक है, मैं बार बार बोलती हूँ, पर शर्त एक ही है कि हमको पापों को मानना पड़ेगा। हाँ, अपने पापों को क्या करना पड़ेगा, आज भी यीशु का लहू हमें क्या करता है, धोकर शुद्ध और साफ करता है। लेकिन हमको एक ही शर्त है कि आज भी, हाँ, पौलुस ने 16 चीजें लिखा, उसने माना कि ये चीजें मेरे जीवन में मेरे लिए क्या कर रही, यीशु के प्रेम से मुझे अलग कर रही है। हाँ, हमको भी आज मानना है। और आज तो हम आशीषित लोग हैं कि प्रभु यीशु का लहू हमारे पास है। आप प्रभु को कितना दान देते हैं भूल जाओ, ये भी भूल जाओ कि प्रभु के लिए कितना भाग दौड़ करते हैं, भूल जाओ। आप कितना ध्यान देते हैं, दान देते हैं, याद रखिए, भूल जाइए। कितना प्रभु यीशु के लिए दौड़ भाग करते हो वो भी भूल जाओ। पर आज आप ये देखिए कि आप प्रभु को प्रेम कितना करते हैं। हाँ, प्रकाशित वाक्य 2:2-3 को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2:2-3 को, Revelation chapter 2 verses 2 and 3, मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे काम परिश्रम और तेरे धीरज को क्या करता हूँ, जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उनको तूने परख कर झूठा पाया। और तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते क्या हो गया है, थका नहीं। बाप रे, ये इफिसियस की मंडली प्रभु के लिए दुख भी उठाती है, धीरज धरती, सब कुछ करती है, पर प्रेम नहीं करती, प्रेम से नहीं कर रही है।
हाँ, ये इफिसियस की कलीसिया क्या कर रही है? इफिसियस की मंडली प्रभु के लिए दुब्बी उठाती है, धीरज भी क्या करती है, हाँ? धीरज भी कर रखती है, पर प्रेम प्रेम से नहीं करती है। पहले ये मंडली प्रभु के लिए सब कुछ करती थी, पहले ये मंडली दौड़ा दाड़ी कर रही होगी, रात दिन कलीसिया को बढ़ाने के में लगी होगी, पर अब ये मंडली क्या कर रही है? चुपचाप बैठी हुई है, हैं? पहले ये इफिसियस की मंडली प्रभु के लिए क्या करती थी? दुख भी उठाती थी, धीरज धरती थी, सब कुछ करती थी, पर प्रेम से नहीं, हैं? पहले ये मंडली प्रभु के लिए सब कुछ करती थी और प्रेम से करती थी। अब इस मंडली की सेवकाई में क्या आ गया है? कमी आई है, हैं? पर प्रेम में कमी आई है, हैं? हालेलुया, आप समझ रहे हैं? पहले प्रभु के लिए सब कुछ करती थी और प्रेम से करती थी, अब इस मंडली की सेवकाई में कमी नहीं आई है, पर प्रेम में क्या गई है? हैं? कमी हो गई, प्रेम में कमी हो गई, और प्रेम में कमी आने से प्रभु जरूर आपको सजा देगा, वो मंडली को खत्म कर देगा, वो मंडली को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। प्रकाशित वाक्य 2:5 को हम पढ़े, इसलिए स्मरण रख कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया, प्रकाशित वाक्य 1:20 को भी हम पढ़े, 120, इसीलिए प्रभु यीशु कहता है तू कहां से गिरा, देख, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसिया के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। हालेलुया, अब मैं आपको प्रकाशित वाक्य 1:20 का बताने जा रही हूँ, हैं? दीवट मंडली को बताता है, यहाँ जो दीवट है वो किसको बताता है? मंडली को बताता है। मैं बड़े बड़े धनवान घरों में जाती हूँ जिसके घरों में सब कुछ है, आदमी औरत रात दिन क्या है, सख्त मेहनत करते हैं, घर की सारी जरूरत पूरी करते हैं, लेकिन आपस में बात नहीं करते, बच्चे माँ बाप से बात नहीं करते, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बात कि दूसरे की क्या करते रहते हैं, शिकायत करते रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के घर में सब कुछ नजर आता है, हैं? पर प्यार नहीं। आज बड़ी बड़ी मंडलियों में लाखों रुपया उनके पास है, पक्के सुंदर चर्च है, पर क्या नहीं है, लेकिन प्रेम नहीं है। याद रखिए, सब कुछ एक दिन क्या हो जाएगा, हाँ, सब कुछ एक दिन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, पर अंत में केवल प्रेम ही रहेगा। इसलिए हमको केवल प्रेम ही में आगे बढ़ना है, हाँ? केवल प्रेम में आगे बढ़ना है। ये इफिसियों की कलीसिया सब कुछ कर रही थी लेकिन प्रेम नहीं रखी हुई थी। अधिक बाइबिल पढ़े, इसलिए नहीं बाइबिल पढ़े कि बस प्रचार ही करना है, इसलिए ही बाइबिल नहीं पढ़े। बहुत लोग क्यों बाइबिल पढ़ते हैं मालूम? मैंने बहुत लोग से पूछा, आप बाइबिल क्यों पढ़ते हैं? अरे जब मेरे को किसी को बताना रहता है ना तब मैं बाइबिल पढ़ती हूँ। केवल सुसमाचार प्रचार करना इसलिए बाइबिल नहीं पढ़े, पर अपने लिए बाइबिल पढ़े, और इसलिए भी पढ़े कि आपको उसके लिए क्या हो जाए, प्यार होना चाहिए, बाइबिल से आपको प्यार होना चाहिए। अधिक प्रार्थना करें, उसमें कोई भी संसार की वस्तु ना मांगे, बस एक ही बात कहें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, तेरे सिवा मुझे संसार में और कुछ नहीं चाहिए, मैं तेरे लिए क्या करना, प्रेम से दुख उठाने को क्या है, तैयार हूँ, क्योंकि तूने भी प्रेम से मेरे लिए क्या किया, बहुत दुख उठाया। ऐसा निस्वार्थ हमको क्या करना है, प्रार्थना आप बार बार करेंगे तो आपका प्रेम परमेश्वर के लिए क्या होगा, बढ़ता जाएगा। प्रेम काम होने का एक ही कारण है, प्रेम कम होने का क्या है, एक ही कारण है, हाँ, दुख क्या नहीं, दुख ना सहने का एक ही कारण है, दुख ना सहने का। यीशु ने प्रेम से क्रूस पर हमारे लिए जान दी, हमको भी प्रेम से रोज अपनी सलीब उठाना है,
रोज प्रेम से सलीब को उठाना है। अगर यीशु के लिए दुख सहने में खुशी नहीं होती तो उसके आगे रोए और कहे, प्रभु मुझे शक्ति दे कि मैं आनंद के साथ अपनी सलीब को उठाकर तेरे पीछे चलूं। आप ऐसा कहेंगे तो जरूर प्रभु यीशु आपको क्या कर देगा, पवित्र आत्मा की शक्ति देगा और आपका प्रेम क्या होगा, बढ़ता बढ़ता ही जाएगा। और अंत में जिस प्रभु से हमारा प्रेम है, हैं, हम उसके पास चले जाएंगे और स्वर्ग में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं सोचती हूँ आपने ये चीज को, ये प्रोफेटिक वर्ड को आपने सुना और आशीष को पाया होगा। प्रकाशितवा के 1:20 हमेशा याद रखिएगा। हालेलुया, परमेश्वर आज आपको छूने जा रहा है। परमेश्वर, जो मैंने दो टाइप का लोगों को आज बताया, जो संसार के लोग हैं जो केवल संसारिक आशीष को पाने के लिए आते हैं, रोटी कपड़ा मकान मेरा जिंदगी भर ऐसी रहे, पर एक ऐसे थे जो प्रभु यीशु से प्रेम तो करते थे लेकिन वो ठंडे और गुनगुने हो गए थे। आज परमेश्वर जो ठंडे और गुनगुने हो गए हैं उनसे आज बात किया, परमेश्वर आपसे बात किया। परमेश्वर चाहता है आप खुद बाइबिल पढ़ें, खूब प्रार्थना करें। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना जो इच्छा रख रहे हैं कि प्रभु यीशु, हाँ मैं भटक गया था, हाँ मैं भटक गई थी, परमेश्वर मैं पहले जैसे दौड़ के मैं आपकी मीटिंग में जाया करता था, आपके वचनों को सुनाया करता था, लोगों को प्रचार, अब मैं ऐसा नहीं पाया जाता। पर जो चाह रहे हैं इन दिनों में, जो लोग चाह रहे हैं, परमेश्वर आज उनसे बात किया। परमेश्वर कह रहा है जो आपका पहले गुनगुना हो गया है, अब प्रेम गुनगुना हो गया, परमेश्वर उसको ठंडा करना चाह रहा है। परमेश्वर कह रहा है और रिबाशी खंडाला रा बाशाला रा बाबा, परमेश्वर कह रहा है उसको ताजगी को परमेश्वर देने जा रहा है। परमेश्वर ताजगी, जो गर्म पड़ गया है, एक जैसे आज बहुत बारिश हो रही है, हम बारिश में गुनगुने से ऐसे बैठे हुए हैं, परमेश्वर उसको क्या करना, तरोताजा करने जा रहा है। हम परमेश्वर में आज उनके लिए दुआ करने जा रही हूँ। ओरी बा शांडाला रा बाबा, अपने हाथों को उठाइए, घुटने में आ जाइए। परमेश्वर आज आपको फिर से वही ताजा करने जा रहा है जो आप बैप्टिज्म, जब आप नया जन्म उद्धार को पाए, परमेश्वर देने जा रहा है। आप बैठिए, परमेश्वर आपको फिर से सामर्थ्य। प्रभु यीशु में धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, जो आज थोड़ा सा भी इच्छा को रख रहे हैं आपके लिए और कह रहे हैं, हाँ प्रभु यीशु मैं ठंडा हो गया हूँ, मैं ठंडा हो गया हूँ, मैं फिर से पहला सब प्रेम आपके लिए चाहता हूँ। परमेश्वर आज जो इच्छा रख रहा है परमेश्वर, पौलुस जैसा 9 वरदानों में वो चलने पाए। परमेश्वर आप कह रहे हैं जो इच्छा रखेगा उसको मैं यूं ही रोटी कपड़ा मकान, मैं आने जो आपके घर में श्राप के कारण ये चीजें बंद हो गई थी, मिलना बंद हो गई थी, जो एक निराशा सी आ गई थी आपके जीवन में, परमेश्वर कहता है ये अगस्त जाते जाते आप वो सब चीज ग्रहण करेंगे, वो सब खुशी को ग्रहण करेंगे जो पृथ्वी में है, परमेश्वर आपको देने जा रहा है। परमेश्वर कहता है मैं तेरे गुनगुनापन को, मैं तेरे ठंडेपन को मैं आजाद करके, आज पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है, फिर से वो पहला सब प्रेम देने जा रहा हूँ। जा और जगत के छोर तक प्रचार कर। 9 गिफ्ट के साथ आप ऑपरेट हो रहे हैं, 9 वरदान के साथ आप ऑपरेट हो रहे हैं। और आप पत्री को लिखते हुए, बहुत से लोग मुझे पत्री को लिखते हुए दिख रहे हैं, परमेश्वर नए नए प्रकाशन को देने जा रहा है। परमेश्वर दिखाएगा आपको, दर्शन के साथ बात करेगा। सिस्टर वॉल्ट परमेश्वर कह रहा है आपको दर्शन के साथ परमेश्वर आपको दिखाएगा लोगों को, दर्शन में आप देखेंगी रात को सोते हुए लोग नए नए आत्माओं के लिए परमेश्वर आपको प्रार्थना कराएगा, आप अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर कह रहा है आज मैं तुझे दुगना पोषण, 4 गुना पोषण मैं तुझे बढ़ा के देने जा रहा हूँ। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ रबा शंदाला रा बाबा, ओ रिखाला रा मंदाला रा बाशीन देले रा, ले लो बहन वत्सला। परमेश्वर कह रहा है बहुतों को, बहुत अन्य जातियों को आप लाने जा रही है प्रभु के निकट में। प्रभु कह रहा है बहुत, कई बार आप अपने आप को अकेले कभी लगता है आपको, पर परमेश्वर कहता है मैं तुझे शांति देने जा रहा हूँ,
वो शांति देने जा रहा हूँ जो तूने सोचा भी नहीं। बहुतों के बीच में तुझे गवाह करके खड़ा करूंगा, जैसे पहला सब प्रेम था वैसा वैसा मैं तुझे दौड़ दौड़ के मैं आपको देख रही हूँ। आप लोगों को परमेश्वर के पास निकट ला रहे। अब वो डर नहीं रहेगा कि प्रभु मैं कैसे बोलूं, परमेश्वर आपके मुंह में आज सामर्थ को भरने जा रहा है। और खालार भाई राजेश परमेश्वर कह रहा है मैं दुगना पोषण, सुसमाचार का दुगना पोषण जो पहला सब प्रेम था। भाई राकेश परमेश्वर कह रहा है मुझे राकेश करके परमेश्वर नाम को देने जा रहा है। परमेश्वर कह रहा है वो रिबा शानदाला रबाशी जो पहला सा प्रेम परमेश्वर दिखा रहा है उसको, पहला सा प्रेम जैसे वो दौड़ता था, गीतों को गाया करता था, वचनों लोगों को खींच के लाया करता था, परमेश्वर कह रहा है फिर से वैसा होने जा रहा है। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ आपके वचन के लिए यीशु के नाम से, आमेन। Jesus, hallelujah. Praise the Lord. Yes, हमने प्रभु की अद्भुत वाणी को सुनी है। प्रभु इफिसियों की कलीसिया को कैसे कहता है तूने छोड़ दिया है। कुछ बातें इन अंतिम दिनों में सुधार के लिए है। प्रभु का आना निकट है, दिन बहुत खराब हैं। प्रभु कहता है बहुत जरूरी है। प्रभु ने कहा कि यदि मनुष्य विश्वास कर रहा है, आशा भी रख रहा है बड़ी बड़ी, मगर प्रभु कहता है यदि मनुष्य प्रेम न रखे तो वो ठनठनाता हुआ पीतल झंझनाती हुई झांझ है। लिखा यदि वो प्रेम न रखे तो मैं कुछ भी नहीं। उसी के तीसरे पद में भी कहता है यदि मैं प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। हम कुछ नहीं है। विश्वास आशा प्रेम इसमें सबसे बड़ा कौन है? प्रेम। हम विश्वास के साथ शुरुआत किए, जीवित धन्य उत्तम आशा प्रभु ने दी। यदि संसार से कोई अपेक्षा रखते हैं तो हम अभागे हैं, मगर प्रभु हम सबसे कहता है कि प्रभु की सर्वप्रथम मुख्य आज्ञा प्रभु ने क्या दी थी? मत्ती के 22 उसकी 37वीं आयत में कहता है सबसे बड़ी और प्रथम और मुख्य आज्ञा यह है कि तू अपने परमेश्वर से सारे मन से सारी बुद्धि से और सारी शक्ति से क्या करना? प्रेम रखना। उसने कहा तू अपने प्रभु से अपने सारे मन अपने सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। प्रभु हमसे चाहता है कि इस प्रेम के सद्भुत बात को अपने जीवन में जाने। प्रभु चाहता है कि हमारा प्रेम निरंतर बढ़ता चला जाए। प्रभु में जो प्यार हुआ उससे मैं और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं, जान जाएं प्रभु का लौकिक प्यार है वो तो सुंदर है, उसके पहले प्यार ने हमारे जीवन में हर समय के समय को हमें उपलब्ध करा दिया है कि मिलकर हम प्रभु की महिमा करते रहें। आइए हम अपने जीवन को प्रभु के हवाले करें और कहें प्रभु सच में पहला प्यार जो छूट गया है उसके लिए हम आपके प्रेम को स्मरण करते हैं। जैसे विवाह को पहले स्मरण करके फिर अपने संबंधों को मधुर बनाने का प्रयास करते हैं, मगर प्रभु का प्यार अलौकिक प्यार है, अनंत जीवन तक ये प्यार बढ़ता ही जाता है। भले शारीरिक सामाजिक प्यार पारिवारिक प्यार कम होता है परिस्थिति के अनुसार, व्यस्तता के कारण जिम्मेदारियों के कारण, मगर प्रभु कहता है आत्मिक प्यार निरंतर बढ़ता चला जाता है। प्रभु में हम चाहें कि अद्भुत प्यार का भाग हमें से हरेक के जीवन में बढ़ता रहे, क्योंकि प्रभु अलौकिक है, प्रभु सुंदर है, हमारा पहला प्यार है। आइए हम इस गीत को मिलते हुए गाते हुए अपने प्यार का इजहार करें। हाँ प्रभु सबसे पहला प्यार आपका है। लिखा है मनुष्य के प्यार के पहले सबसे पहला प्यार परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमसे किया और हमें बचा लिया और हमें जीवित रखा और आज अपनी महिमा के युग में हमें ले चलना चाहता है। तो आइए हम इस अंगीकार के साथ अपने जीवन को हूँ। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अलौकिक है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अलौकिक है, तू सुंदर प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना दो, मेरी खामोशियों को समझा I'm not afraid to die.
समझा तू मेरे तू अलौकिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अलौकिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है मेरी दिल्ली प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी तुली प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं तू अलौकिक है तू सुंदर है मेरा पहला पहला प्यार है तू अलौकिक है तू सुंदर है प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो तेरी तुली प्रशंसा हो तेरी हर पल महिमा हो सचमुच में हमने समर्पण के साथ इस गीत को गाकर उसके पहले प्यार का इजहार किया है। ये अनंत काल का प्यार है। सब प्यार होते हैं और कम हो जाते हैं। दुनिया का प्यार समय परिस्थितियों अवस्थाओं के कारण जिम्मेदारियों के कारण परिस्थितियों के कारण कम हो जाता है मगर प्रभु का प्यार हमारे जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। प्रभु ने जो योजना बनाकर प्रभु यीशु मसीह में अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो पहला प्यार डाला आज भी आत्मा के द्वारा इस महिमा के युग में एक नए रूप को वो मेरे राम के जीवन में रचने जा रहा है। जितने लोग उस पहले प्यार को पहला स्थान देकर वो कलीसिया रूपी परिवार में वो पहला स्थान देते इसके साथ जुड़े रहते उसके साथ सहभागिता वचनों के मार्गदर्शन और प्रार्थना में नित्य लगे रहकर आत्मा की अगुवाई में उसके स्वरूप में ढल रहे हैं प्रभु कहता मैं अपनी अद्भुत योजनाओं को उनके जीवन में पूर्ण करते हुए उन बातों को हमारे जीवनों में से दिखाने पर हूं। प्रभु कहता मैं इन दिनों में तुम्हारे जीवनों में खूबियों को उस प्यार को रहकर मैं दिखाऊंगा। लोग जाएंगे ये प्यार तुम्हारे पास कहां से आया ऐसा जीवन तुम्हें कहां से मिला तब बताएंगे इस पहले प्यार के प्रभु यीशु के आने से उसकी आत्मा में एक अद्भुत प्रहार एक अद्भुत प्रभाव हमारे जीवन को प्रभु वरदानों के रूप में गवाहियों के रूप में सच्चाइयों को प्रस्तुत करने के लिए ऐसी व्यवहारिकता के रूप में हमारे जीवन को दिखाएगा। हमारा जीवन दूसरों के लिए आशीष का कारण महिमा का कारण उन्हें अपनी ओर खींचेगा। लिखा है तुम मसीह की पत्री बन जाओगे। प्रभु कहता अंतिम दिनों में वो लिखा मसीह का सुगंध वचन को लेकर हम दुनिया में फैलाएंगे और इस सच्चाई का कार्य होगा कि हम उससे पहला प्यार करें जिसमें परमेश्वर की सामर्थ्य अलौकिक रूप में अलौकिक वरदानों में होकर हमारे जीवन में बहेगी। बहुत से लोगों के लिए वो जिस प्रकार से गवाहियां हुई प्रभु वो भविष्यवाणियां हुई कैसे परमेश्वर ने दर्शन के साथ उन बातों को बताते हुए अपनी अद्भुत महिमा को प्रकाशित करेगा। आज प्रकाशित वचनों के साथ भविष्यवाणी की अद्भुत बातों को प्रभु आपने प्रकट किया है हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आज बहुत ही धन्यवादित है अलौकिक प्रकाशन के साथ हमारे जीवनों को पुनः ने जागृत किया क्योंकि ये प्यार हर समय बढ़ता और बढ़ता और बढ़ता जाता है। इस लॉकडाउन में परिस्थितियों में अवस्थाओं में हमारी दूरियां काफी हो गई हैं व्यक्तिगत और पारिवारिक रूप से। प्रभु कहता है कलीसिया रूपी परिवार एक ही परिवार है जिसके काम मैं बनाया हूं और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। उस प्यार को मैं अंतिम दिनों बढ़ाता जाऊंगा। लिखा इस प्रेम को वो पौलुस कहता कौन मुझको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। वो जानता था ये बातें अलग कर सकती मगर उसने इसको आह्वान के रूप में कहा मुझे कोई भी बातें परमेश्वर के प्रेम से अलग न कर सकती है। यीशु के नाम में ऐसा ही विश्वास हर एक का हो जाए उनके जीवन की परिस्थितियों के सामने वो पुकार सके उसकी घोषणा करके कह सके ये प्रभु का प्यार है जो हमें हर प्रकार का जय का जीवन प्रदान करेगा क्योंकि मसीह में हम जयवंत से बढ़कर हैं और उस जय के उत्सव में लिए फिरता है कि हम प्रभु के सुसमाचार को उसकी गवाहियों को कि प्रभु में आने के बाद हमारा जीवन निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। वो प्यार की सीमाएं जो सब आशियों को हमारे जीवन में बिखेरने के लिए आत्मा के द्वारा आज भी तैयार है वो प्रभु उस कार्य को आज जितने लोगों ने अपने जीवनों में इस सच्चाई को सुनकर अपने समर्पण को दिया है यीशु के नाम से अद्भुत भाग उनके जीवन में इसमें रूपांतरित होता चला जाए उनके जीवन में बहता चला जाए और भी रूपांतरित होकर आपकी महिमा के अद्भुत गवाह बन रहे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आपने हमारी प्रार्थना सुना और जितने लोग सुनकर बात को ग्रहण किया उनको भी आपने आशीर्वाद किया धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुन ग्रहण करें।
आमीन। अब हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ सभी लोगों के साथ 25 समर्पित हर एक लोगों के साथ आज से लेकर आपके द्वारा आगमन तक होती रहे। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।